दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आपसे बात करने चला हूं देश की दलित राजनीति को लेकर। इस लोकसभा चुनाव के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा रहा और सबसे बड़ा फैक्टर रहा कि दलित मतदाता किस तरफ अपना रुझान कर रहे हैं। कांग्रेस द्वारा छेड़ा गया एक नारा संविधान बचाओ, यानी कि संविधान की रक्षा के लिए लड़ाई है, तो उसके काउंटर में भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे वो मुफ्त अनाज की बात थी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी ने तमाम प्रधानमंत्री मोदी का वो भाषण जिसमें उन्होंने ये कहा हो कि संविधान को बाबा साहब अगर खुद वापस आ जाएं तो भी नहीं बदल सकते, लेकिन इस चुनाव के अंदर संविधान का एक ऐसा फैक्टर चला जिसने कि दलित मतदाताओं को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुंह मोड़ने पर मजबूर कर दिया। अब पूरे चुनाव का, पूरे देश का अगर सिनेरियो देखें चुनाव में, तो आपको दिख जाएगा कि दलित मतदाताओं ने बहुत बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट किया। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो बहुजन समाज पार्टी ने भले ही सभी सीटों पर अपने कैंडिडेट खड़े किए अधिकांश सीटों पर, लेकिन दलित मतदाता जिन्हें कि बहुजन समाज पार्टी को जो वोट करते रहे, जो BSP का कोर वोटर माना जाता रहा है, उन मतदाताओं ने भी ना तो दलित मतदाताओं ने, यानी कि ना तो बहुजन समाज पार्टी को वोट किया और ना ही उनका रुख भारतीय जनता पार्टी की तरफ हुआ। मुड़ गए वो उन सीटों पर कि जहां अगेंस्ट भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट स्ट्रांग थे, चाहे वो समाजवादी पार्टी के थे यानी कि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस सपा के। आप इन सब के बीच में अगर देखें तो नगीना सीट से चंद्रशेखर आज़ाद, जो आज़ाद समाज पार्टी उन्होंने बनाई हुई है, उसके मुखिया, वो बड़े आराम से चुनाव जीत गए। यानी कि देश की राजनीति में और खासकर यूपी की राजनीति में और देश की दलित राजनीति में अपना एक मुकाम तलाश रहे चंद्रशेखर आज़ाद की, वो तलाश वहाँ पर उस मंजिल के साथ पूरी हो गई। और मैं आपसे वही बात करने चला हूँ कि क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में और देश की राजनीति में आने वाले समय में चंद्रशेखर आज़ाद क्या दलित राजनीति के पुरोधा हो सकते हैं। अगर महाराष्ट्र के अंदर जाएं तो उस महाराष्ट्र के अंदर RPI सामने आती है, रामदास अठावले और प्रकाशराव अंबेडकर की पार्टी। अगर आप बिहार के अंदर आ जाते हैं तो फिर महादलितों के नाम पर और दलितों के नाम पर और पिछड़ों के नाम पर राजनीति करने वाले, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे वो चिराग पासवान हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, चाहे जीतन राम मांझी हो, इनके साथ ही इस सबका मुकाबला करने के लिए जो तेजस्वी यादव ने मुहिम चलाई आप वहाँ देख सकते हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश में आए तो खासकर आप देख सकते हैं कि दलित राजनीति को एक नया मोड़ देने के लिए राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने PPP फॉर्मूले पर और इसके साथ पिछड़ा बैकवर्ड दलित और गरीब गुरबों को जोड़ने की जो मुहिम चलाई वो मुहिम रंग लाती हुई दिखाई दी। इसके साथ साथ ही फिर जिक्र करूंगा चंद्रशेखर आज़ाद का कि राजनीति के अंदर जो मुकाम मायावती को दलित मतदाताओं के सहारे मिला, उस मुकाम की तलाश में चंद्रशेखर आज़ाद लंबे समय से लगे हैं। और दलित मतदाताओं को जब ये लगने लगा कि मायावती जी के हाथों में उनके हित और हक अब सुरक्षित नहीं रहे, इस चुनाव के अंदर, चुनाव के दौरान जिस प्रकार मायावती जी ने अपने ही भतीजे को मैदान से साइड किया, भरे उनका जो संबोधन था आकाश आनंद का, उस संबोधन को लेकर के जिसमें उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की थी, लेकिन मायावती जी के साथ जो मजबूरियां रही हैं उन मजबूरियों ने उनको रोक दिया, बाध्य कर दिया आकाश आनंद को बैक टू पवेलियन करने के लिए। और यहीं से आप समझें कि दलित मतदाताओं के बीच में एक संदेश चला गया कि अगर कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग या सत्ताशील लोग मायावती जी को दबा सकते हैं तो फिर उन्हें अपना भी एक नया नेतृत्व भी देखना होगा। और अगर आप मानें तो इस समय के दौरान में चंद्रशेखर आज़ाद कहीं उस भूमिका में सामने आते दिख रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि अगर मायावती जी की राजनीति और चंद्रशेखर आज़ाद की राजनीति के, आप उन दोनों के राजनीति के फलसफा को गंभीरता से देखें और नज़दीक से देखें तो मायावती की जो प्रारंभिक राजनीति थी, वो प्रारंभिक राजनीति मायावती की यूं चलती थी कि दलित मतदाताओं के अलावा जो बाकी सभी मतदाता थे, चाहे वो अगड़े थे, स्वर्ण थे, उन सभी मतदाताओं पर वो कटाक्ष किया करती थी। आपको ध्यान होंगे मायावती के वो दौर जब वो तिलक, तराजू और तलवार वाले नारे दिया करती थी। लेकिन दूसरी तरफ जब चंद्रशेखर आज़ाद की राजनीति आ जाती है
तो चंद्रशेखर आजाद अपने संबोधन में दलित, मजदूर, मजलूम और पिछड़ों की बात करते हैं। चंद्रशेखर आजाद अपने संबोधन के अंदर दीनबंधु सर छोटूराम की बात भी करते हैं, बाबा साहब अंबेडकर की बात भी करते हैं, चौधरी चरण सिंह की बात भी करते हैं। इसके साथ साथ जहाँ कहीं शोषण की बात आती है, चंद्रशेखर आज़ाद कहते हैं कि जहाँ शोषण होता है फिर उसके अंदर अगड़े या पिछड़े की बात नहीं, वो वहाँ खड़े होंगे। अगर आप एक चीज़ और देखें तो पिछले लगभग एक दशक के दौरान में चंद्रशेखर आज़ाद ने अपनी राजनीति को धार देते हुए खासकर उत्तर भारत के जो राज्य हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश है, दिल्ली है, हरियाणा है, राजस्थान है, इन तमाम जिलों में आपको ध्यान होगा भीम आर्मी के नाम से जो शुरुआत हुई, हर जिले के अंदर उनका एक संगठन बनता चला गया और खासकर जो दलित समाज से जुड़े हुए युवा थे उन युवाओं को चंद्रशेखर आज़ाद, जो पहले चंद्रशेखर रावण लिखते थे खुद को, उनको चंद्रशेखर आज़ाद के रूप में एक नया विकल्प मिलना शुरू हो गया। खासकर दलित और जो पिछड़ों की बात जब आ जाती है कि अगर उन्हें कहीं ये लगा कि एक मुकाम मिलना चाहिए, कि एक ऐसा नेतृत्व उनके पास हो जो उनकी आवाज़ को बुलंद कर सके, तो उस कंडीशन में भी उनको चंद्रशेखर आज़ाद सामने नज़र आए। चंद्रशेखर आज़ाद की एक क्वालिटी और रही, जहाँ मायावती एक ड्राइंग रूम की राजनीति पर ज़्यादा विश्वास करती थी, वहीं चंद्रशेखर आज़ाद ग्राउंड की राजनीति करते ज़्यादा दिखे। जब जब भी कभी कोई ऐसे मौके आए जिसके अंदर कि किसी भी प्रकार के शोषण की बात आती हो, तो चाहे वो प्रशासन से टकराने की बात हो, चाहे वो शासन से टकराने की बात हो, जहाँ भीम आर्मी खड़ी होती थी, एक संदेश पर वहाँ सैकड़ों युवाओं का इकट्ठा हो जाना और उसके बाद में चंद्रशेखर आज़ाद का एक मैसेज हो जाना एक संबल देता था कि दलित राजनीति का पुरोधा उनके साथ है। और मैं आपको उसी लिहाज से कह रहा हूँ कि अगर आप देखें तो 2022 का विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ, उस चुनाव के अंदर जहाँ शुरुआत हुई थी अखिलेश यादव के साथ में गठबंधन बनने की, कि अखिलेश यादव के साथ में इधर जयंत चौधरी हों और दूसरी तरफ अखिलेश यादव के साथ चंद्रशेखर आज़ाद हों, लेकिन वो हुआ नहीं था। और उस दौर में कुछ इस प्रकार बात बिगड़ी कि चंद्रशेखर आज़ाद साइड हो गए। हालांकि वो गठबंधन रहा, उस गठबंधन ने मुकाबला भी किया, लेकिन जो प्रारब्ध होना चाहिए था वो हो नहीं पाया। उसके बाद का अगर आप दौर देखें तो चंद्रशेखर आज़ाद बीजेपी की सरकार से टकराते भी दिखे, उन पर मुकदमे भी दर्ज हुए, FIR भी हुई। चंद्रशेखर का वो दौर भी आपको ध्यान होगा जब उन पर फायरिंग हुई और फायरिंग के बाद जो अस्पताल में भर्ती हुए, उनको जब एक सुरक्षा मुहैया कराई गई वाइस ट्रेनिंग की, तो एक लोगों में ये संदेश गया कि क्या चंद्रशेखर आज़ाद का मूड अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ हो रहा है। लेकिन इन सब के बीच से जब उन्होंने अपनी पार्टी के सिंबल पर अपने बैनर तले नगीना लोकसभा चुनाव लड़के और वो चुनाव फतेह कर लिया, और उस चुनाव को जीतने के बाद जब पहले साक्षात्कार में उनसे पूछा गया कि NDA या इंडिया, और उनका वो जो जवाब था कि वो तो वो राजनीति करेंगे जो पिछड़ों और शोषितों और दलितों, मजदूरों और मजलूमों की होगी, उसके बाद वो एक संदेश देने में कामयाब हो गए कि उत्तर प्रदेश के अंदर खासकर और उसके साथ साथ उत्तर भारत के अंदर दलित राजनीति का जो स्थान रिक्त पड़ा हुआ है उसको भरने में चंद्रशेखर आज़ाद कामयाब हो सकते हैं। उस इंटरव्यू के बाद में, यानी कि जिसमें उन्होंने कहा कि NDA या इंडिया नहीं, वो उस आवाज़ को उठाएंगे जो आवाज़ दबी कुचली है, तो उसके बाद में खासकर पिछड़े दलितों और शोषित युवाओं को वो संदेश देने में कामयाब हो गए कि अगर कहीं संबल देने की बात आएगी तो चंद्रशेखर आज़ाद वहाँ पहुँच जाएंगे। और इसी लिहाज से आज माना जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर खासकर जब 2027 का चुनाव, विधानसभा का चुनाव नज़दीक है, ऐसे में क्योंकि एक बड़ा गठबंधन बन गया था इंडिया गठबंधन की तरफ, दलित प्लस यादव प्लस मुस्लिम, ये तमाम जो तीनों मतदाता थे और साथ में उनको सहारा लग गया ब्राह्मण मतदाताओं का, इस सबको तोड़ने के लिए भी जहां भारतीय जनता पार्टी अपनी कोशिश करेगी, तो फिर इस दौर में चंद्रशेखर आज़ाद भी एक नई भूमिका में नज़र आ सकते हैं। 24 तारीख को चंद्रशेखर आज़ाद लोकसभा की शपथ लेंगे, हालांकि सभी सांसद शपथ लेंगे, 24 और 25 को शपथ ग्रहण जो होना है देश के सभी सांसदों का, वो भी शपथ लेंगे। और उस शपथ ग्रहण के बाद में एक प्रकार से जब नई राजनीति की शुरुआत होगी खासकर उत्तर प्रदेश के लिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा के उपचुनाव भी होने हैं, उसमें उनकी कौन सी भूमिका होगी उससे तय होना शुरू हो जाएगा कि अगली राजनीति कैसी हो सकती है।
वैसे आपको क्या लगता है कि दलित मतदाता, खासकर जो उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत के दलित मतदाता हैं, जिनके बीच में मायावती एक लोकप्रिय नाम रही थी, क्या उनका स्थान अब खाली होने जा रहा है? आपको क्या लगता है कि एक लोकसभा सीट जीतने के बाद क्या चंद्रशेखर आजाद का वो कद हो जाएगा कि वो दलित राजनीति के उस रिक्त स्थान को भरने में कामयाब हो जाएं? और आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत की अगली राजनीति जो होगी, दलित, महादलित और महापिछड़ों की, वो कौन सा नया मुकाम लेगी? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।